बात कर लेते हैं गोरखपुर के पिपराइच रोड पर बने महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज की। इस महाविद्यालय की बात इसलिए क्योंकि यहाँ न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों का संचार भी बड़े ही सलीके से होता है और इसके पीछे है योगी जी की साधना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भी समझिए इस रिपोर्ट को देखकर। कोई ऐसे ही नहीं योगी बनता। योगी बनना है तो जरूरी है साधना, और साधना के लिए जरूरी है ऊंची सोच। एक ऐसी सोच जिसमें समता का भाव हो, एक ऐसी सोच जो समाज को सशक्त बनाने का सपना रखती हो, और उससे ऊपर उस सोच को सच कर दिखाने का सामर्थ्य भी जिसके संस्कारों में समाया हो। आप सोच रहे होंगे कौन योगी और ये कैसी साधना, तो फिर समझते हैं और चलते हैं गोरखपुर। कभी संत बने, फिर महंत बने और फिर सीएम बने योगी आदित्यनाथ की नगरी। जी हां, वही गोरखपुर। यहां के पिपराइच रोड पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जंगल धुसई में पड़ता है भगवा रंग में रंगी दीवारों वाला महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज। दरअसल इस महाविद्यालय की शुरुआत 2005 में योगी आदित्यनाथ के हाथों से हुई। इस कॉलेज में बिना भेदभाव के शिक्षा तो सबको मिलती ही है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ संस्कारों से भी सभी को एक साथ ही सहेजा जाता है। ये झाड़ू लगाती शिष्याएं देखिए, और यहाँ शौचालय को स्वच्छ करते, शुचिता का प्रतीक बनते छात्र भी हैं। आप सोचेंगे छात्रों से भला क्यों स्वच्छता कार्य? ये छात्र अपने इस महाविद्यालय को सरस्वती का मंदिर जो समझते हैं। ये मतलब सबको, मतलब ये जानकारी पता हर स्कूल को, हर कॉलेजों को कि सफाई मतलब सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे कॉलेज में हर सैटरडे को होता है ताकि इंसान सफाई से ही सुरक्षित रहता है, इससे बीमारी जल्दी नहीं फैलती है। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये महाविद्यालय हमारा है और हम अपने महाविद्यालय को साफ करने में कोई मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसको हम ही लोग यूज करते हैं तो साफ तो हम ही को करना पड़ेगा। और हाँ, हर शनिवार चलने वाले इस सफाई अभियान में शिक्षक भी पीछे नहीं रहते। स्वैच्छिक श्रमदान 2005 से हमारा हर शनिवार को चलता है, एक घंटे के लिए चलता है, जिसमें प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी सभी स्वच्छता में लगते हैं। परिणाम यह है कि आज हमारे वहाँ टॉयलेट को लेकर के कोई एक जाति का व्यक्ति, कोई एक मजहब का व्यक्ति साफ करेगा, वो अवधारणा यहाँ खत्म है। आपको जानकर हैरानी होगी कि MHRD की ओर से जारी किए स्वच्छ शिक्षण संस्थानों की सूची में ये महाविद्यालय अक्सर बाजी मारता है। इसके अलावा यहाँ योगी जी के निर्देश हैं कि कोई भी गरीब छात्र जो पढ़ना चाहता है उसकी फीस भी प्रिंसिपल अपनी पॉकेट से दे दे, जिसका भुगतान भी योगी जी ही किया करते थे। फीस माफी का ये अंदाज भी इसलिए ताकि छात्र के स्वाभिमान को कोई चोट ना पहुंचे। इसके अलावा यहाँ शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर एक गांव को गोद भी लिया है, जहाँ छात्र और शिक्षक बारी बारी से गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दिया करते हैं। तो जाना आपने, शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा के अलावा संस्कारों को भी पूरी तरह से समाहित किया जाता है। वाकई योगी जी की साधना का सार तभी तो यहाँ के छात्र भी पूरी तरह से आत्मसात जो कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।